लॉकडाउन 3 खत्म होने के बाद आज लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है। वहीं अंबाला छावनी के दुकानदारों को अभी तक नहीं समझ आ रही कि कौन सी दुकानें खोलें कौन सी बंद करें। वहीं दुकानदारों को दुकान खोलने को भी लेकर सवाल है, दुकानदार समय सारणी को भी लेकर अनजान है। इस समय इस विषय में जब हमने नगर परिषद सचिव राजेश कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि जो शर्तें लॉकडाउन 3 में लागू थी वही शर्तें लॉकडाउन 4 में लागू होंगी। उन्होंने बताया कि हमारे पास कोई भी नई गाइडलाइन नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि जो दुकानदार नियमों के अनुसार दुकान खोलता है और बंद नहीं करता है और जो नियमों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इसमें मोस्टली जो भी सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ज़्यादातर पहले की तरह ही है, उसमें दुकानों का भी जैसे है कि ऑड इवन वैसे ही रहेगा जैसे पहले खुल रही थी और वही समय है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल ये सभी बंद रहेंगे। ओनली जो स्टेडियम है वो प्लेयर्स के लिए है, उसमें भी जो दर्शक हैं वो नहीं आ सकते। इसके अलावा धार्मिक स्थल भी बंद है, इनको भी खोलने की कोई परमिशन नहीं हुई है जारी, तो ये भी सब बंद है। ऐसा नहीं है, हमारी टीम द्वारा समय समय पर बाजारों में निरीक्षण किया जा रहा है और जो सरकार के दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं उसके अनुसार कार्य करते हुए अगर कोई इसको खोलता है तो उसको पहले तो आराम से समझाते हैं कि आप इसका जो नियमानुसार जैसे आपके दिन निर्धारित है उसके अनुसार खोलो। अगर फिर भी ये मार्केट्स कंप्लेंट आ रही हैं कि उस जिसने खोला और वो नहीं मान रहे हैं तो उनके चलान वगैरह भी किए जा रहे हैं। अगर ज़्यादा ही है वो तंग कर रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं मान रहे तो फिर दुकान को सील भी किया जा सकता है। दुकानदार और लोग सभी से यही अपील है कि जो जैसा ये महामारी का कोविड-19 का दौर चल रहा है इसमें सभी से यही अपील कि अपना बचाव वो खुद रखें और दूसरों को भी जागरूक करें और जो ये सोशल डिस्टेंस का पालन करें, बेवजह घर से बाहर मत निकलें और जो समय निर्धारित किया गया है उस अनुसार अपना बचाव करते हुए दूसरों को भी अपना बचाने की वो अनुरोध करें और अपना इन नियमों का पालन करें जो समय समय पर सरकार द्वारा जारी की है।